हमारा पृथ्वी, उसकी इतिहास वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। असल इतिहास अभी भी हमसे छुपा हुआ है। समय समय पर अनेक पहेली हमारे सामने आते हैं जिनको सुलझाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उनसे बहुत ऐसे विचार आते हैं जिनको जोड़कर हम उस अनदेखा इतिहास या पृथ्वी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हो सकता है विज्ञान इन तथ्यों को ना माने, पर कभी कभी सही तथ्यों को भी मान लेने में सदियाँ लग जाते हैं। आज हम भी आपके सामने हमारे पौराणिक पृथ्वी के कुछ ऐसे ही अनोखे तथ्य पेश करने जा रहे हैं। इस एपिसोड में आज हम जिक्र करेंगे उस जमाने के विशालकाय प्राणियों के बारे में। आपको सुनकर विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन उस जमाने में जो इंसान जैसे जीव थे पहाड़ और पर्वत के आकार के थे, जिनका विशालकाय शरीर अब पत्थर में तब्दील हो गया है और जगह जगह ऐसे शरीर मिल रहे हैं जिनको देख के पहली नज़र में पर्वत लगता है, लेकिन ध्यान देने पर उनका आकृति उभर आता है। सबूत हर जगह मौजूद है, सिर्फ हमें अपनी आँख खोलने की ज़रूरत है। जैसे कि उन पहाड़ जितना विशालकाय इंसानों के कदम के निशान, जो पास से पानी से भरा झील लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव, और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज। एक ज़माने में ये दुनिया संपूर्ण अलग थी। यहाँ पर हर चीज़ विशाल थी, पेड़ पौधे जानवर और इंसान जैसे जीव भी। ऐसी दुनिया होने के बारे में हमें आधिकारिक रूप में कभी बताया नहीं गया, लेकिन वैसा दुनिया होने का संकेत हर कहीं देखा जा सकता है। जैसे कि उस दुनिया में विशालकाय मशरूम हुआ करते थे, और ऐसे मशरूम रॉक फॉर्मेशन के बारे में आपको 100 से भी अधिक उदाहरण मिल जाएंगे। ये पत्थर ठीक आजकल के मशरूम की तरह दिखते हैं, क्या ये सिर्फ एक संयोग ही है? कुछ लोग कहते हैं कि ये पत्थर टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में भिड़ने से या हवा और पानी के करोड़ों सालों तक बहने से ये पत्थर ऐसा हो गए, लेकिन क्या ये संभव है? नहीं, ये मशरूम लगते हैं क्योंकि ये मशरूम जैसा ही कुछ थे। इनके अलावा 6 से 7 किलोमीटर ऊंचे पेड़ हुआ करते थे, जिन पेड़ों का कटा हुआ हिस्सा या टूटा हुआ हिस्सा अभी भी दुनिया भर में मौजूद है। पोलैंड में एक विशालकाय पत्थर का गोरिल्ला मिला है। कैलिफोर्निया में एक पंख पसारे पत्थर का विशाल ईगल पक्षी मिला है। फोंटेनेब्लो में है यह पत्थर का विशाल सांप का सिर। न्यूजीलैंड के पिहा बीच में है यह विशालकाय पत्थर का शेर। इनके अलावा अलग अलग जगहों पर विशालकाय पत्थर का मेंढक, विशालकाय पत्थर का मछली, विशालकाय पत्थर का ड्रैगन और भी बहुत कुछ मिले हैं। कहा जाता है कि ये सभी कभी जिंदा हुआ करते थे, लेकिन जब पृथ्वी पर ग्लोबल फ्लड या ग्रेट फ्लड आया तो ये सभी पत्थर के पुतले में तब्दील हो गए। इस ग्रेट फ्लड का जिक्र अलग अलग धर्मों और पौराणिक कहानियों में उल्लेख है। इस पत्थर बनने वाले प्रक्रिया को पेट्रिफिकेशन कहते हैं। जब कोई जीवाश्म लंबे समय तक खनिजों और वातावरण के संपर्क में रहता है तो वह पत्थर का रूप ले लेता है। जैसे कि डायनासोर्स की हड्डियाँ अब पत्थरों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं को इन पत्थरों में वेन्स और आर्टरी होने तक के सबूत मिले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे हमें कार्बन लाइफ फॉर्म कहा जाता है, वैसे ही उस दुनिया में सिलिकॉन लाइफ फॉर्म थे, यानी उन प्राणियों का शरीर पहले से ही पत्थर के कणों के थे। इसके कारण वो बड़े ही शक्तिशाली हुआ करते थे। हर धर्म ग्रंथों में इन महामानवों का जिक्र मिलता है। उस वक्त पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काफ़ी कम था, जिस वजह से ये बहुत ही विशालकाय हुआ करते थे और आसानी से घूम फिर सकते थे। पौराणिक कहानियों के अनुसार इन महामानवों का कद 3 किलोमीटर या उससे भी बड़ा था। ये जीव सैकड़ों सालों तक जीते थे क्योंकि इन्हें रोग होने की संभावनाएं कम थी, लेकिन इनकी एक कमजोरी थी और वो था पानी। पानी के संपर्क में आने से उनका शरीर जम जाता था। हमें कई बार कहानियों में सुना है कि ये बड़े महामानवों का पानी से विशेष रूप से भय होता था, शायद इसीलिए कि पानी के संपर्क में आने से इनकी त्वचा पर हानिकारक प्रतिक्रिया होती होगी, क्योंकि ये सिलिकॉन के बने थे। पृथ्वी के विस्तार पर हुई बात में हमने आपको बताया था कि कैसे सागर और महासागर बने थे। इन सागर और महासागर के बनने से पृथ्वी पर बारिश होने लगी,
इस बारिश के कारण दुनिया भर में जो सिलिकन जीवन था वो समाप्त हो गया और नए कार्बन लाइफ अस्तित्व में आए। इन जीवों के अस्तित्व को समझना बहुत ही कठिन है। आज पृथ्वी पर हम जो पहाड़ देखते हैं उनमें से कुछ शायद किसी समय जीवित थे। इन पहाड़ों को देख के पहली नज़र में पहाड़ ही लगते हैं, लेकिन ध्यान देने पर उनका आकृति उभर आता है, जैसे कि टर्की में ये लेटा हुआ महामानव या पेरू में सोता हुआ ये महामानव। अमेरिका के अप्सरोका का ये पीठ के बल लेटा हुआ महामानव। उसी तरह अबरक्राफ्ट वालेस का ये महामानव। अफ्रीका के माली में खड़ी ये महिला महामानव। फ्रांस के एबिहानस में बैठा हुआ ये महामानव। इटली के सर्डिनिया में ये महामानव। अमेरिका के ही समुद्री तट पर लहरों के बीच ये महामानव का सिर। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये महामानव पहले से ही पत्थर के शरीर के साथ जिंदा थे, या वो भी हड्डी और मांस के बने थे? कुछ पर्वतों के अभ्यंतरीण हिस्सों को देख के तो ये लगता है कि ये कभी पत्थर नहीं मांस ही थे। इस बात को समझाने के लिए हम आप लोगों को एक तरफ पर्वत और एक तरफ एक मांस का टुकड़ा दिखा रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन पर्वतों के पत्थर के बीच कुछ छेद भी हैं जो पर्वत के अंदर चले जाते हैं, जैसे कि वो कभी रक्त वाहिका थे। अगर वो मांस के ही थे तो पत्थर कैसे बन गए? जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि इस प्रक्रिया को पेट्रिफिकेशन कहते हैं। जब कोई जीवाश्म लंबे समय तक मिनरल्स और वातावरण के संपर्क में रहता है तो वो पत्थर का रूप ले लेता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक पौराणिक ग्लोबल फ्लड द्वारा ये सभी पत्थर के पुतले में तब्दील हो गए थे। उस ग्लोबल फ्लड के बाद जब पानी कमने लगा तो इन विशाल प्राणियों के मृत शरीर यूं ही कीचड़ मिट्टी रेत में लिपट कर पड़े रह गए। उसके बाद सूरज के तीव्र तापमान में ये जम गए और वक्त के साथ चट्टानों में परिवर्तित हो गए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल में इस तरह के वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, जैसे कि अभी स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ दिख रहे हैं। कृपया इनको देखें या फिर हमारे चैनल में जाएं, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोडेड है। धन्यवाद।